क्वेश्चन नंबर जी है आपके पास 14, ठीक है। अब सबसे पहले यार आपने इस क्वेश्चन करने से पहले ना सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को 3 टाइम पढ़ना है मेरे कहने पर। इसकी स्टेटमेंट्स को आपने 3 टाइम पढ़ेंगे तो आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आनी है। वो क्या कह रही है, प्रूव डैट, साबित करें, क्या चीज साबित करनी है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक इसमें बात हो रही है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की, ठीक है, मिड पॉइंट की, ठीक है। यहां पे इसको मैं टिक लगा देता हूं, मिड पॉइंट की बात करेंगे, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स की हम बात करेंगे, इज पैरेलल, पैरेलल है टू द थर्ड साइड यानी कि तीसरी साइड पैरेलल है, एंड हाफ एज लॉन्ग। अब देखें यहां पर मैं अगर एक डायग्राम बना दूं, ये आ गई आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एक वर्टेक्स ए है, इसका एक वर्टेक्स बी है, और इसका एक वर्टेक्स सी है, ठीक है। मिड पॉइंट हमारे पास ये हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये जो मिड पॉइंट की हमने लाइन लगाई है, ये वाली जो लाइन लगाई है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। यहां पर मिड पॉइंट हो गया, एक यहां पर मिड पॉइंट हो गया, ए बी सी, इसको हम डी नाम देते हैं और इसको हम ई नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां पे हम लेट करते हैं, लेट ए बी सी इज द ट्राइंगल, इज द ट्राइंगल, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। एंड अब देखें अगर एक ट्राइंगल है, इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा, इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा, फिर इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्मॉल बी, कैपिटल सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों आपके पास, स्मॉल सी। इसका हम फाइंड करेंगे डी और ई का, ए बी सी इज द ट्राइंगल एंड पोजीशन वेक्टर्स आर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स आ गए, बात समझ में आई, ठीक है। मैंने आपको बताया डी और ई का सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, देन देखेंगे ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं या नहीं है। अब देखें इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों आपके पास क्या होगा, अगर हम कहते हैं ओ डी का पोजीशन वेक्टर बच्चों आपके पास क्या बनेगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। जब भी आपके पास एक पॉइंट मिड पॉइंट पर हो ना, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो होगा ए प्लस बी ओवर टू। ओ डी का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी ओवर टू कोमा। फिर ई का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, ई सॉरी ओ ई, ओ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यूनिट वेक्टर्स आर ए बी प्लस सी ओवर टू। ओ डी का मिड पॉइंट आ गया, ओ ई का मिड पॉइंट यानी कि पोजीशन वेक्टर्स आ गया, इसका भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया और इसका भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं दीज टू लाइंस आर पैरेलल, वो कह रहे हैं टू लाइंस हमारे पास क्या है, पैरेलल है। अब हम बी सी वैक्टर फाइंड करते हैं और डी ई वैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले बी सी वैक्टर फाइंड करते हैं, बी सी वैक्टर अगर हम फाइंड करें तो बी सी का पोजीशन वैक्टर बच्चों आपके पास क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। ओ सी का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लेट किया हुआ है, सी माइनस ओ बी का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लेट किया हुआ है, बी। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, बी सी। लो जी बी सी वेक्टर आपके पास आ गया सी माइनस बी की स्केयर, ठीक है। अब बात करते हैं डी ई की, डी ई, डी ई बेसिकली क्या होगा, ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई इज, ओ ई का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड किया है ए प्लस सी ओवर टू माइनस ओ डी, हमारे पास क्या है ए प्लस बी ओवर टू आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका अगर हम एलसीएम ले, एलसीएम का आएगा टू आएगा, इधर आ जाएगा ए प्लस सी माइनस ई माइनस बी, ठीक है जी। ये ए ए से कैंसिल, ठीक है जी। हमारे पास डी ई, डी ई बच्चों आपके पास क्या आ गया, डी ई आ गया सी माइनस बी। आप देखें बी सी भी आ गया, डी ई भी आ गया, हमने प्रूफ क्या करना था,
प्रूव हमने करना था ये लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और ये जो हाफ है इसका डबल होना चाहिए, नीचे वाली हाफ एज लॉन्ग ये हमारे पास लंबाई में ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि बी सी इज इक्वल टू डी ई है, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यूज पुट, ये लाइंस हमारे पास क्या होंगे, ये वेक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं, जब इनके साथ कोई कांस्टेंट क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हों और दरमियान में उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कह सकते हैं ये दोनों पैरेलल, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बी सी हमारे पास क्या आया है, बी सी आया है सी माइनस बी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आया है, ई डी ई के साथ आया वन ओवर टू। अगर आप देख रहे हैं ना तो वन ओवर टू आया है, इधर आया है वन ओवर टू यहाँ से, ठीक है। वन ओवर टू बेशक आप बाहर लिख लें, इधर आ जाएगा वन ओवर टू और डी ई आपके पास क्या आया है, सी माइनस बी। डैट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 40। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको सेकंड ईयर का कंप्लीट कोर्स चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइजेस सोल में, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 4, 1.1 देखें, 1.1 की कम्प्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एग्जाम्पल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2.3 की कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगी। इसी तरह 2.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी। इसी तरह 2.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 को हम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 के आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, 3.2 भी आप देख सकते हैं, इसी तरह 3.3 के सारी एक्सरसाइज सोल्व देख सकते हैं, 3.4 भी आपको कंप्लीट मिलेगी, इसी तरह 3.5 भी आपको कंप्लीट मिलेगी। इसी तरह अगर हम 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 भी आपको कंप्लीट मिलेगा, एक्सरसाइज 4.1 देख लें आप बेशक, इसी तरह 4.3 देख लें आप, 4.3 बहुत ही लेंथी है यार, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 के अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 4 के आप अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 देख लें, 5.1 है, 5.2 है, आपको कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 चाहिए तो 6.1 से लेकर 6.9 तक कंप्लीट मिलेगा, 6.1 की भी कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी। इस तरह 6.2 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी, 6.4 देख लें, 6.4 की भी कंप्लीट वीडियोज आपको मिलेंगी, इसी तरह 6.5 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी, इसी तरह 6.6 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अपनी ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको, अगर मैं बता दूं एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे आपको, जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 विद आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको विदाउट आंसर्स भी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी मिलेगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, सोल्व भी मिलेंगे, अनसोल्व भी मिलेंगे, एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 भी मिलेगा, आपको कंप्लीट बुक मिलेगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। यूट्यूब पर आपको मे भी सारी कंप्लीट वीडियोस ना मिलें, कुछ प्राइवेट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट्स नहीं होती। इसी तरह अगर आपको चैप्टर नंबर 7 की भी कंप्लीट वीडियो चाहिए, देख सकते हैं 7.1 हमारे पास कंप्लीट है, इसी तरह 7.2 भी हमारे पास कंप्लीट है। अगर मैं 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट वीडियो चाहिए, और हाँ, अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड भी करनी है तो आपने जस्ट क्या करना है, उस वीडियो पे, फॉर एग्जांपल, अगर आपको अब ये वीडियो डाउनलोड फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे एक आइकन बना मिलेगा आपको डाउनलोड का, अब आप इसे डाउनलोड करें, जो मर्जी करें, जब मर्जी देखें, ये आप पर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
यार ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक बहुत मेहनत की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है, जो सिर्फ मैंने आपके लिए की है। आप अगर YouTube पर देखते हैं तो सारी की सारी वीडियोस आपको YouTube पर नहीं मिलेंगी, सारी की सारी आपको वीडियोस YouTube पर नहीं मिलेंगी, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ हाफ होती हैं। अगर आप ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक की कंप्लीट वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs अपने WhatsApp पर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ना तो कोई एकेडमी की जरूरत है, नो मैथ्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 out of 100 मार्क्स इन मैथ्स क्लास, सेकंड ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन 600 rupees। ये जो लिंक है ना, ये वाला जो लिंक है, ये सेकंड ईयर का ये वाला जो लिंक है जहाँ पे कंप्लीट वीडियोज अपलोड है, यहाँ पे ये जो लिंक आपको मिलेगा जस्ट 600 रुपीज़ में, जो कि पूरा साल आपके पास लाइफ टाइम तक ये असेस होगी, जब मर्जी वीडियोस को डाउनलोड करें। आपने क्या करना है, अभी इस नंबर पर 0323451 6277 पर जैस कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट इंशाल्लाह ताला मिस नहीं होगा। ये जो लिंक मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई भी एग्जांपल्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी MCQs ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 100 out of 100 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।